नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे थे। अपने अपने क्षेत्र के नेता अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। उज्जैन की नगरीय निकाय चुनाव में अधिकतम मध्य प्रदेश सरकार के चमड़े मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समर्थक मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए दमखम से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मजबूती के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, डोर टू डोर भी उनका जनसंपर्क बड़े स्तर पर चल रहा है। इस प्रकार से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जनसंपर्क चलने की उम्मीद है। अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत कर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उज्जैन में 154 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी ने सभी मजबूत पार्षद पद के लिए उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इसमें अधिकतर मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समर्थक है। अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऑडियंस पोल की रिपोर्ट बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस समय एक साथ अपने समर्थकों को जिताने के लिए मैदान में दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी बताइए, महापौर के चुनाव के स्थानीय निर्वाचन में नगर निगम आयोग के जो चुनाव चल रहे हैं, जिसके पहले चरण में जिसमें 6 तारीख को वोटिंग होने वाला है, इन सारे नगर निगम में जिस ढंग का हालात बना, लगातार हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के नेतृत्व पर सभी दूर अनुकूलता बनी है। खासकर उज्जैन में जब कल 4 सभाएँ माननीय मुख्यमंत्री की हुई है, उसके बाद से तो एकदम स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की लोकल सरकार बनने जा रही है। हमारे सभी वार्ड के पार्षद चुनाव जीत रहे हैं। महापौर भारी संख्या 50,000 से ज़्यादा लीड से महापौर जीतने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब मतदाताओं का आभार। भाजपा का ये प्रेम आपके साथ सदैव बना रहा है और विकास के मामले में जिस प्रकार से एक के बाद एक सौगात मिली, परसों मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली, कल कर्नाटक एंटीबॉडी एंटीबायोटिक फैक्ट्री का जो MOU हुआ है, लगभग 300 करोड़ की लागत से ये 5वीं इंडस्ट्री डल रही है, जो उज्जैन में एक तरह से मेडिकल हब का दवाइयों का जो बाजार बनने वाला है, उसका रीढ़ की हड्डी का काम करेगी। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति बधाई और खास करके शासन का, भारत सरकार का, दोनों का उपक्रम है, इसलिए दोनों का भी आभार।